आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक सॉलिड क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र में पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही आसान ओके चैप्टर है तो अपन देख लेते हैं। ओके तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ना है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ओके तो चुनाव के बारे में पहले हमें पढ़ना है, तो चुनाव से जान लेते हैं क्या अभिप्राय है। ओके तो किसी फैसले को लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए जनता जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने नेता या प्रतिनिधि को चुनती है उस प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। ओके इससे पहले मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ आपको समझाने के लिए। आपको पता है जब आप क्या क्लास में छोटे थे और अभी भी चलता होगा ओके कि आपके क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, तो टीचर ने कहा ओके आपके टीचर ने कहा कि क्लास में एक मॉनिटर चुना जाएगा। टोटल क्लास में 30 स्टूडेंट है, ओके 30 स्टूडेंट है और एक दो कैंडिडेट खड़े हैं। ओके दो कैंडिडेट खड़े हैं, इनको क्या है वोट देना है। तो मान लीजिए पहले कैंडिडेट है उसको 20 वोट मिले और फिर दूसरे कैंडिडेट को क्या है 10 वोट मिले, तो कौन विजय हुआ, कौन जीत गया, जिसको 20 वोट मिले हैं वो क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। ओके तो मतलब क्या है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो क्लास का मॉनिटर बन जाता है, वो क्लास का नेता बन जाता है। ओके इस प्रकार से आपको मॉनिटर चुना जाता है। इसी प्रकार से कहा गया है चुनाव है, इसी को क्या है, इसी प्रक्रिया को जो मैं आपको कहानी में समझाया है, इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। ओके तो किसी फैसले को लेने में सभी नागरिकों का प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए क्या है जनता जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने नेता को चुनती है उसे क्या है चुनाव कहते हैं। चुनाव की प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुनकर क्या है संसद या विधानसभा भेजती है उस व्यक्ति को क्या है जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। तो क्या है कई दोस्तों ऐसे फैसले होते हैं जिसमें क्या है जनता क्या है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकती। मान लीजिए कोई देश में कोई आदेश पारित होना है, तो अब देश में 130 करोड़ जनसंख्या है, 143 करोड़ हो गई है ओके, तो सभी से क्या है राय नहीं ली जा सकती है। तो जनता क्या है जनता के समूह बने हैं ओके, जनता के एक एरिया बटा है, तो उससे वो जनता क्या करी अपने चुनाव के माध्यम से एक अपने प्रतिनिधि को एक नेता को क्या है संसद में भेज देगी ओके, इसी प्रकार से दूसरे एरिया का भेज देगी और फिर इन नेताओं से पूछा जाता है जिन्हें आप चुन के भेजते हैं संसद में, ये नेता क्या है फैसला लेते हैं ओके। मतलब क्या है पूरे दल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, केवल एक नेता करता है जिसे आप चुनते हैं ओके। यही बताया गया कि क्या है प्रत्यक्ष रूप से अपन क्या है से चुन नहीं सकते किसी फैसले को जनता, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, इसलिए क्या है एक दल से एक नेता चुना जाता है। यह नेता जो जनता के द्वारा चुनकर संसद जाते हैं यह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के कल्याण के लिए क्या है नीतियों का निर्माण करते हैं और देश के कानून बनाते हैं ओके, ये हो जाता है। अब दोस्तों क्या है आपका जो लोकतंत्र क्या है दो प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें अंतर देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है जनता रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेती है। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष जैसे मैं आपसे प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ, मतलब आपके आमने सामने अभी मैं आपसे क्या है अप्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ, मतलब क्या है विजुअली ओके। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या है जनता स्वयं जाकर वोट देती है, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष लोकतंत्र ओके। और अप्रत्यक्ष जिसमें क्या हो जाता है कि जनता सीधे न जाकर किसी के द्वारा भेज देती है ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये व्यक्ति है इसको अपना क्या है संदेश भेजना है ओके, तो अगर वो डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति को जिसे देना है उसे भेज रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो क्या है ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो क्या है कोई तीसरे व्यक्ति को क्या है पहले आदेश देता है, फिर तीसरे आदेश क्या है तीसरा वाला व्यक्ति क्या है दूसरे वाले को आदेश पहुंचाता है, तो इसमें क्या है एक अप्रत्यक्ष हो जाएगा। मतलब क्या है पहले वाले ने डायरेक्ट क्या है दूसरे वाले को आदेश नहीं दिया, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। मतलब आमने सामने हो तो प्रत्यक्ष और मतलब एक दूसरे के माध्यम से करें तो अप्रत्यक्ष ओके। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है जनता क्या है स्वयं सरकार के लिए क्या है फैसला लेती है, सरकार के काम करती है ओके। प्राचीन यूनान के लिए स्थानीय सरकार खासतौर पर ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। मतलब आप अभी भी देखे होंगे गांव की, मान लीजिए गांव की ग्राम सभाएं हैं ओके, यूनान में नहीं जाना प्राचीन में, अभी आप गांव की ग्राम सभा में देखेंगे तो जो चुनाव होता है मतलब ओके चुनाव होता है या कोई फैसला लिया जाता है तो सभी की क्या सहमति से लिया जाता है, सभी उसमें शामिल रहते हैं ओके। लेकिन क्या है जब लाखों लोगों के तहत करोड़ों लोगों को फैसला लेना पड़ता है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्या है जब क्या है बहुत बड़े एरिया में पूरे भारत मान लीजिए कोई फैसला लिया जा रहा है, पूरे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, तो सभी से क्या है राय नहीं ली जा सकती, इसलिए क्या है अपने अपने लीडर बनाकर सभी भेजते हैं ओके, सभी जनता के समूह ओके, और फिर उन लीडरों से क्या है सलाह ली जाती है, तो उसे कहते हैं अपन अप्रत्यक्ष। इसलिए क्या है जनता के शासन का अर्थ है समानता जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलने वाला शासन, क्या है जनता जो शासन चला रही है वो क्या है अपने प्रतिनिधि के द्वारा चला रही है ओके। हम पढ़ते हैं चुनाव आयोग ओके। चुनाव आयोग क्या है, तो भारत में क्या है चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग है। मतलब क्या है जो भारत में चुनाव कराता है वो कौन कराता है चुनाव आयोग कराता है ओके। ये बिल्कुल निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र होता है, मतलब इसमें किसी भी पार्टी या किसी भी दल का कोई दबाव नहीं रहता है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष होता है ओके।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ओके, निर्वाचन मतलब चुनाव ही कहते हैं, तो चुनाव आयोग का क्या है, इसमें वर्णन है। ओके, वह अनुच्छेद 324 में याद रखना है। वस्तुनिष्ठ में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो भारत के निर्वाचन आयोग की मदद करने के लिए क्या है, हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। तो पूरा एक बार भारत है उसका एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। ओके, छोटे छोटे जो आपके मतलब जो राज्य हैं सभी में क्या है, एक एक क्या है, एक एक क्या है, निर्वाचन मुख्य अधिकारी है। ओके, निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए क्या है, जिम्मेदार नहीं होते हैं। मतलब क्या है, ये बड़े लेवल के चुनाव कराते हैं स्थानीय, जैसे आपके हो गए ये आपके पंचायत वाले हो गए, आपके नगर पालिका वाले चुनाव हो गए, ये स्थानीय के जो चुनाव होते हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते, ये बड़े बड़े चुनाव कराते हैं जैसे विधानसभा का हो गया, लोकसभा का, ये बड़े बड़े चुनाव ये करवाते हैं। इसके लिए क्या है, राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं जो निर्वाचन आयोग से अलग करते हैं। ओके, भारत का चुनाव आयोग और ये जो जो छोटे छोटे एरिया के जैसे नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत का होगा, इनके चुनाव कौन कराता है, इनके चुनाव क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। मतलब राज्य का भी एक क्या है, आयोग होता है निर्वाचन वाला, वो कराता है। ओके, तो भारत का जो चुनाव आयोग है बिना किसी दबाव के काम करता है, मतलब उस पर तो किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। ओके, और क्या है, चुनाव आयोग में 3 सदस्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक क्या है निर्वाचन मुख्य और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ओके, एक मुख्य अधिकारी होता है, 2 क्या है थोड़ा उसके क्या है निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है, पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ओके, हम दोस्त लेते हैं दोस्तों चुनाव आयोग के क्या क्या है, मतलब चुनाव आयोग क्या क्या काम करती है। ओके, तो पहला है दोस्तों क्या है, मतदाता सूची तैयार करना, मतलब क्या है, जो वोट कौन कौन डालने जाएगा उनकी जो मतदाता की सूची होती है वो तैयार करता है चुनाव आयोग। ओके, मैं आपको हेडिंग दे रहा हूँ, अगर आपके पेपर में आता है जितने नंबर का है उतनी आपको हेडिंग लिखनी है, थोड़ा सा आपको जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही आपको डिटेल से एक दो लाइन में लिख देना है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कोई भी दोस्तों आपके डाउट होता है तुरंत ही कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको कमेंट कर देना है। ओके, और क्या है, क्या है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, मतलब क्या है स्वतंत्र, मतलब किसी भी क्या है दबाव बिना दबाव के क्या है चुनाव कराना, निष्पक्ष कराना। ओके, आचार संहिता जारी करना, आचार संहिता जारी करना जारी हो जाएगा। ओके, तो आचार संहिता क्या होती है, नियम होता है, कानून होता है जो चुनाव के एक महीने पहले मान लीजिए क्या है जारी किया जा सकता है, जिसे क्या है सभी जनता को मानना पड़ता है, जो क्या है राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी उन नियमों को मानना पड़ता है। ओके, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह जारी करना, मतलब क्या है जो जो राजनीतिक पार्टी उन्हें जो चुनाव चिन्ह मिलता है। ओके, तो वो भी क्या है कौन प्रदान करता है, चुनाव आयोग प्रदान करता है। ओके, और राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण करना, मतलब क्या है राजनीतिक, मतलब कौन कौन क्या है लड़ने वाला है, कौन कौन क्या है चुनाव में खड़ा होने वाला है, कौन कौन पार्टी कैसे खड़ा होने वाला है, ये सब क्या है इसकी डिटेल रखना, उनका पंजीकरण करना क्या है चुनाव आयोग का काम होता है। और चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की ये सीमा तय करना, मतलब क्या है कोई भी आपको पता है सीमा क्यों तय की जाती है कि 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। ओके, तो अगर ये बहुत अमीर आदमी है उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार खड़े हुए चुनाव में, ये पहला उम्मीदवार बहुत अमीर है दूसरे थोड़ा गरीब है। ओके, तो पहले वाले ने क्या बहुत मान लो कई करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए चुनाव के प्रचार में, अच्छा चुनाव करने में, जो कि 10 रुपए पैसे नहीं तो 2 लाख रुपए ये खर्च कर पाया है। ओके, जबकि इसने करोड़ रुपए कर दिए, लेकिन इसलिए क्या है चुनाव आयोग क्या करता है असमानता एक सीमा फिक्स कर देता है, क्या है 5 लाख से ज्यादा क्या है कोई भी खर्च नहीं कर सकता, इस प्रकार से सीमा बना देता, तो इसका निर्धारण करना भी क्या है चुनाव आयोग का काम होता है। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़े, ये जो है ये सब है जो मैं आपको बता रहा हूँ चुनाव आयोग के कार्य है, बहुत ही ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए आपको अच्छे तैयार करने हैं चुनाव आयोग के कार्य। ओके, 3 क्वेश्चन आपको अच्छे तैयार करना है, चुनाव आयोग के कार्य क्या है, चुनाव प्रणाली के दोष और उसके सुधार कैसे कर सकते हैं, ये आपको क्या है कुछ टॉपिक है, तो अच्छे तैयार कर लेना है, इन्हीं आपके चैप्टर में से यही क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, हम दोस्तों पढ़ने वाले चुनाव प्रणाली के दोष, मतलब जो चुनाव प्रणाली है अपने यहाँ उसके दोष क्या क्या है, तो अधिक धन खर्चा करना, अधिक धन खर्चाना, मतलब क्या है जो उम्मीदवार होते हैं वो अधिक धन खर्च होते हैं, वोटों को खरीदा जाना, मतलब क्या है वोट को खरीद लिया जाता है। ओके, जैसे आपने कई बार देखा होगा शराब बांटकर वोटों को खरीदा जाता है। ओके, कई महिलाओं को साड़ियां बांट दी, इस प्रकार से क्या है खरीदा जाता है, आप समझ सकते हैं पैसे बांट कर। ओके, जात और धर्म के नाम पर वोट मांगना, ओके, जाति के धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ओके, ये सब क्या है चुनाव प्रणाली के दोष है। राजनीतिक में अपराधियों को भी भाग देना है, मतलब क्या है कोई अगर मान ली अपराधी है और वो चाहता कि मुझे उम्मीदवार है, मुझे चुनाव में खड़ा होना है, मुझे जीतना है, तो वो भी क्या है चुनाव में खड़ा हो सकता है। ओके, और जीत गया तो अपराधी हुए देखिए नेता बन जाएगा, तो ये भी क्या है एक गलत है। ओके, जो चुनाव प्रणाली में अपराधियों को भी क्या है भागीदारी इसमें मिलती है। लुभावने वादे करना, आपने देखा ही होगा जब भी ऐसी क्या है चुनाव आते हैं लुभावने वादे किए जाते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे। ओके, और चुनाव में हिंसा का प्रयोग होना, अभी भी क्या है कई जगह हिंसा हो जाती है उसका भी है। ओके, वोट के बदले पैसे वस्तुओं तथा अन्य प्रकार की क्या है लालच देना, जनता को लालच दी जाती है। ओके,
तो ये हो जाते हैं क्या चुनाव प्रणाली के दोस्तों। आई होप दोस्तों मैं आपको ज्यादा डिटेल से समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपने ये अपने अक्सर अपने दैनिक जीवन में सुनते होंगे, किताबें देखते होंगे, टीवी में, ये आपको ये सब बातें पता ही होगी, नॉर्मल बातें होगी। हम देखने वाले हैं चुनाव सुधार के सुझाव, मतलब चुनाव की जो प्रणाली की दोस्तों के सुधार हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, पहला क्या है, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना चाहिए, जिससे क्या राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिले हैं मिलेंगे। तो अभी देखिए, अभी इसमें दो शब्द आए, एक सर्वाधिक मत जीत वाला और एक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, चुनाव की दो प्रणाली है। ओके, तो हम इसके थोड़ा ही आगे दो मिनट बाद इसके क्या है जैसे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जब तक आपको क्या इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। सर्वाधिक मत वाला तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे दो नेता खड़े हैं। ओके, दो नेता अगर मान लो वोट चुनाव में खड़े हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा, ये तो आपको भी पता है, जो कहे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा, ये कहलाता है सर्वाधिक मत वाली जीत वाली प्रणाली। ओके, ये आपको पता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जो थोड़ी जटिल है। ओके, हम आगे इसके मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है। ओके, कैसी की जाती है तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये दो प्रकार की प्रणाली है जिसमें ये सबसे आसान है जो सभी को पता है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली थोड़ी कठिन है। लेकिन क्या सुझाव क्या दिया जा रहा है कि सर्वाधिक मत वाली जीत की प्रणाली को हटाकर प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्या है लागू करना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि अगर जो अभी अभी वर्तमान में आपको पता है सर्वाधिक मत वाली जो व्यक्ति से सबसे ज्यादा वोट होते हैं वही जीत जाता है, इस प्रणाली को हटाकर कौन सी प्रणाली लाई जाए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आगे मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है कि संसद और विधानसभा में एक तिहाई सीटों पर क्या है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना है। मतलब क्या है, महिलाओं के लिए सीट फिक्स कर दी जाए कि मान लीजिए 10 सीटें हैं तो उसमें से फिक्स हो जाए कि क्या है 5 महिलाएं सीट में लड़ेंगी। ओके, इस प्रकार से मतलब एक तिहाई करना है, एक तिहाई व्यवस्था करना है। ओके, यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस है तो उसे क्या है चुनाव से लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। मतलब क्या है, उसने कोई आपराधिक दंड दिया जा चुका है या क्रिमिनल केस है। ओके, आपराधिक केस है उस पर, तो उसे क्या है चुनाव में खड़ा होने का अधिकार ना दिया जाना चाहिए, ये बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए क्या कानून बनाना चाहिए। ओके, और चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण को पूरी तरह से प्रतिबंध कराना। आपने देखा होगा कई क्या है राजनेता क्या है चुनाव धर्म के आधार पर क्या है वोट मांगते होंगे, तो उसे भी बंद कर दिया जाना चाहिए। और साथ ही क्या है चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्या है कठोर प्रावधान होने चाहिए। ओके, ये सब क्या है सुझाव है। अब देख लेते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था, भारत में क्या चुनाव व्यवस्था, तो भारत क्या है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से होता है। भारत के संविधान में चुनाव संचालन की पूरी व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है, मतलब क्या चुनाव किस प्रकार से करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, पूरा क्या है अपने भारतीय संविधान में बताया गया है। ओके, भारत में क्या है चुनाव कराने के लिए कौन सा है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या है एक स्वतंत्र संस्था है। ओके, ये है हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, तो बात कर रहा था कि भारत में दो प्रकार के चुनाव व्यवस्था होती है, कौन कौन सी है, पहला तो है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो क्रम से अपन समझ लेते हैं। ओके, इसमें क्या है जो सबसे आगे वही जीते, इसकी ये हेडलाइन है, जो सबसे आगे जीतेगा वही है, इसे भी कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसे कहा जाता है। ओके, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्या है एकल संक्रमित मत प्रणाली भी कहा जाता है। ओके, ये हो जाता है। अब देख लेते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, तो ये आपको पता होगी फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, ओके, इस व्यवस्था में जिस उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार सभी उम्मीदवारों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे क्या है विजयी घोषित कर दिया। इसमें क्या होता है, मान लीजिए क्या है तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ओके, तीन कैंडिडेट है तो उसमें क्या है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। ओके, इसे 50 मिले मान लीजिए, इसे ओके 10 मिले और इसे क्या है 15 मिले, तो जिसमें इसे 50 मिले वो जीत जाएगा, मतलब दूसरे नंबर का जीत जाएगा। उसमें क्या हुआ, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता है, इसे ही कहते हैं हम सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। ओके, विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे क्या है उसे कुल मतों का बहुमत मिले। ओके, इसमें कुल बहुमत मिले मतलब इसमें केवल इतना ही महत्व है कि सबसे ज्यादा वोट होने चाहिए। ओके, अन्य उम्मीदवारों की तुलना में इस विधि को क्या है जो सबसे आगे वही जीती, मतलब जिसके सबसे ज्यादा वोट वही जीती, इसे प्रणाली कहा जाता है फर्स्ट टू पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ओके, इसे क्या है बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इस विधि को क्या है स्वीकार करता है, जैसे क्या है इसमें क्या है विधानसभा लोकसभा के चुनाव क्या है इसी प्रणाली से होते हैं। ओके, ओके, आप दोस्तों हम देख लेते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। ओके, तो भारत में क्या है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक अप्रत्यक्ष केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए क्या है सीमित रूप से अपनाया गया है। जैसे जो क्या है जो सर्वाधिक मत वाली प्रणाली है जी वाली, इसमें क्या है जनता स्वयं ज्यादा वोट डालने को जाती है, ना स्वयं क्या है बटन दबाती है कि भैया हमें क्या है इस उम्मीदवार को जिताना है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है जनता स्वयं नहीं जाती, उनमें क्या है नेता जाता है। ओके,
जो इसमें क्या है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है, विधान परिषदों के क्या है चुनाव, ये सब क्या है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मतलब तो भारत में क्या है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, लेकिन केवल क्या है इनके चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के, विधान परिषद के। ओके, जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव है वो होते हैं जो आपके हो जाए सबसे ज्यादा वोट वाली सिस्टम से। ओके, हम देख लेते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अभी भी आपको दोस्तों में मुझे आज पता है कि अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि ये किस प्रकार से होता है। ओके, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका एक बुकी का है जिसमें क्या बताया गया है, एक बार इसे पढ़ लेते फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, राज्यसभा के चुनाव की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसे क्या है एकल संक्रमित मत प्रणाली भी कहा जाता है। ओके, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है कुल मतदान अपॉन कुल विजयी उम्मीदवार प्लस वन, और प्लस वन ही होता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ किस प्रकार से इसमें सिस्टम होता है। तो पहले इसमें देखा जाता है, इसमें देखिए मैं आपको पहले बता दूं जो क्या है सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली होती है उसमें केवल एक को विजयी बनाया जाता है। मतलब तीन लोग खड़े हुए हैं वोट उम्मीदवार, तो इसमें केवल एक, ये तो फिक्स हो जाएगा कि केवल क्या है एक ही व्यक्ति जीतेगा। ओके, एक नंबर का या दो नंबर का, तीन नंबर, कोई भी किसमें एक व्यक्ति जीतेगा। लेकिन जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या है आपको सभी को वोट देने पड़ते हैं। ओके, सर्वाधिक मत वाली प्रणाली में आपको एक व्यक्ति को वोट देना है। अगर आप जाएंगे अब मशीन में बटन दबाने जाएंगे तो तीनों में तीन के बटन होंगे, जिसको भी आपको मान लो दो नंबर को जिताना है तो दो नंबर वाले बटन दबा देंगे, मतलब एक आपको एक ही सिलेक्ट करना है। ओके, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है आपको तीनों लोगों को चुनना पड़ता है। तीनों लोगों को कैसे पड़ता है, आपको तीनों लोग पसंद है लेकिन आपको उसमें भी क्रम जमाना है कौन सबसे ज्यादा पसंद है। तो मुझे पहले तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार को जिताना, तो पहले तीसरे नंबर वाला कर लिख दूंगा, फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगता है एक नंबर का तो एक नंबर का, फिर उसके बाद सबसे अच्छा नहीं लगता मतलब कम लगता है दो नंबर का। जैसे आपने देखा होगा कई लोग आपसे पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा कौन सा विषय लगता है, तो आपने बोल दिया कि भाई मुझे पॉलिटिकल साइंस सबसे अच्छा लगता है। ओके, फिर इसके बाद फिर पूछते हैं कि पॉलिटिकल सबसे अच्छा लगता है, उसके बाद कौन सा लगता है, उसके बाद हिस्ट्री लगता है, उसके बाद कौन सा लगता है, उसके बाद हिंदी लगती है, फिर उसके बाद इंग्लिश। तो आपने कहा बरीता बताया कि मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, उसके कम ये लगता है, उससे थोड़ा कम ये पसंद आता है पढ़ने में। ओके, इसी प्रकार से आपको उसमें क्या है जो नेता होते हैं जैसे चार लोगों को चुनना है तो उन्हें क्या क्रम से जमाया जाता है, क्योंकि यही होता है चुनाव में, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव में। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कितने लोग वोट दे रहे हैं, जितने लोग वोट दे रहे हैं ये आपको मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं क्वेश्चन नहीं करना है, मैं आपको एक बार जितना समझा रहा हूँ आप एक बार क्या पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। इसमें जितने लोग वोट दे रहे हैं, तो मान लीजिए क्या है 200 लोग क्या है 200 लोग वोट दे रहे हैं। ओके, और टोटल क्या है चार लोग को जिताना है, मतलब चार लोगों को क्या है बरी तगीरा में जमाना है, जिसमें क्या है इसमें तीन लोग को बताया इसमें चार लोगों को आपको जमाना है। ओके, इसमें क्या होगा प्लस वन हो जाएगा, और क्या है इसमें अपॉन भी इसमें प्लस क्या वन हो जाएगा। आप निकालेंगे तो क्या है 200 बटे आपका हो जाएगा 5। ओके, भाग लगाएंगे आप यहाँ से तो हो जाएगा 5×20 40 और 41। ओके, तो 41 आएगा, तो 41 क्या होगा मतलब जिसमें से जिसको क्या है 41 वोट मिल जाएंगे वो क्या है जीत जाएगा। ये सब होता है समानुपातिक प्रणाली। ओके, तो ये क्या है अक्सर क्या है आम जनता को समझ में नहीं आती, इसे थोड़ा से जटिल माना जाता है। तो आई होप आप समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं भारत में क्या है सर्वाधिक वोट से जीती जाने वाली प्रणाली को क्यों लागू किया जाता है। मतलब अधिकांश चुनाव में क्या है आपने देखा होगा आपके पंचायत के चुनाव में, ओके, मतलब अधिकतम चुनाव में क्या है इसी प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसके सबसे ज्यादा वोट वही क्या है नेता बन जाएगा, ये प्रणाली को अपनाया जाता है। बस कुछ ही चुनाव में राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति, इन्हीं चुनाव में क्या है समानुपातिक को अपनाया जाता है। तो ये जो फेमस है इतनी फेमस क्यों है तो उसे रीजन बताइए। ओके, जो समानुपातिक सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली है वो फेमस क्यों है, उसे क्यों लागू किया गया है उसको का रीजन बताना है। तो देख लेते हैं एकल संक्रमित मत प्रणाली की प्रक्रिया, मतलब एकल संक्रमित प्रणाली मतलब जो क्या है जो मैंने आपको ऊपर समझाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हुआ है, काफी जटिल है। मतलब देखिए इसमें गुणा भाग करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ओके, यह किसी छोटे देश में लागू हो सकती है, मतलब जहां कम जनसंख्या है वहां लागू हो सकती है, लेकिन भारत जैसे देश विशाल देश में नहीं पॉसिबल। ओके, दूसरा क्या है सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में क्या है व्यवस्था की सफलता इससे इसकी लोकप्रियता से कारण है। ओके, मतलब कैसे बहुत लोकप्रिय है, मतलब जनता से पसंद करती है, क्यों पसंद करती है जनता को समझ में आ जाता है कि हाँ यार इसमें क्या है जो व्यक्ति जीत जाएगा वही क्या है नेता बन जाएगा, मतलब जिसके सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। जबकि इसमें क्या गुणा भाग करना पड़ता है, मतलब थोड़ा क्या है कैलकुलेशन होती है इसलिए थोड़ा कठिन। ओके, और उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और क्या चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है उनके लिए क्या है पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना सरल है। ओके, और जो क्या है चुनाव के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, मतलब आप गांव के भी कोई बच्चे से पूछेंगे कि भाई कैसे चुनाव में जीत जाता है तो बता देगा जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल जाता है वो जीत जाता है। ओके, तो क्या है ये सभी जानते हैं, बहुत आसान है, इसलिए क्या है ये फेमस है। हम थोड़ा अंतर देख लेते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर जीत वाली प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर। ओके, थोड़ा देख लेते हैं अंतर। ओके, तो क्या है पूरे देश तो सर्वाधिक मत प्रणाली के आधार पर क्या है कि पूरे देश में क्या है छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में
बांट देते हैं, जिसे क्या है निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इतने बड़े भारत को क्या है छोटे छोटे एरिया में चुनाव करके क्या है जीत होती है इसमें। ओके, एरिया में छोटे छोटे चुनाव में होते हैं, जबकि यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है पूरे एक भौगोलिक होता है, मतलब पूरे भारत को लिया जाता है। क्यों भारत को लिया जाता है? ये छोटे छोटे एरिया से क्या है लीडर चुन के आते हैं और फिर इस चुनाव में शामिल होते हैं। इसमें आम जनता शामिल नहीं होती है, केवल लीडर जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं वही शामिल होती है। ओके, तो इसमें क्या है, तो आप पहला वाला पॉइंट समझ चुके हैं जिसमें क्या बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सर्वाधिक मत वाले में क्या है एक छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, जबकि इसमें क्या है पूरा एक देश होता है, मतलब पूरे देश का भूगोल लिया जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट है हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मैंने आपको पहले समझाया कि इसमें अगर तीन लोग खड़े हैं तो एक ही व्यक्ति को जीतना है, जबकि इसमें क्या है एक ही व्यक्ति को चुनना पड़ता है ओके वोट डालने के लिए। लेकिन क्या है समानुपातिक प्रतिनिधि में क्या है सभी को चुनना पड़ता है, लेकिन क्या है एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ओके, ये होता है। तीसरा पॉइंट है कि मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, जबकि इसमें कहता है मतदाता पार्टी को वोट देते हैं। इसमें क्या प्रत्याशी को मतलब आप व्यक्ति को चुनते हैं, मतलब इस व्यक्ति को ये व्यक्ति पसंद अच्छा लगता है आप उसे व्यक्ति को चुनते हैं। ओके, सर्वाधिक मत वाली में, जबकि इसमें आप क्या है इसमें पार्टी को वोट दिया जाता है कि किस पार्टी को देना है। ओके, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल जाती है। ओके, इसमें क्या होता है इसमें ये नहीं बोलता है कि आपको कितनी सीटें चाहिए, जैसे भी हमने सर्वाधिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में देखा कि क्या है 41 वोट होंगे तभी आप क्या है जीते माने जाएंगे, उससे ज्यादा ही होंगे तभी आप जीते माने जाएंगे। ओके, उससे कम होंगे अगर आपके सबसे ज्यादा है फिर भी आपको जीते नहीं माना जाएगा, जबकि इसमें ये सब नहीं देखा आप कितनी सीटें आपको मिली, इसमें केवल देखा जाता है आपके सबसे ज्यादा वोट होने चाहिए। ओके, ये बताया गया है। ओके, जैसे कि विजयी उम्मीदवार को क्या है जरूरी नहीं है कि वोटों की बहुमत क्या है 51% हो, 50% प्लस एक मिले, जब क्या है विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होना चाहिए, मतलब क्या है 51% लगभग होना चाहिए, इसमें जबकि इतना जरूरी नहीं है। इसमें केवल क्या है वोट ज्यादा होने चाहिए चाहे 51% हो चाहे ना हो। उदाहरण के लिए यूके और क्या है भारत, मतलब यूके और भारत में क्या है ये प्रणाली अपनाई जाती है सर्वाधिक, जबकि क्या इसराइल और नीदरलैंड में क्या है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, ये हो जाता अंतर। ओके, अब देखने वाले हैं हम निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। आरक्षण का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए पहले से क्या है कुछ सीजे फिक्स कर देना है कि किसी वर्ग के लिए, इसे कहते हैं आरक्षण। तो निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण तो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं उसे ही क्या है विजय घोषित कर दिया जाता है, इससे क्या है छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। ओके, इसमें क्या है, ओके आगे पढ़ लेते फिर मैं आपको समझाता हूँ। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि क्या है दबंग सामाजिक समूह या जाति और जातियां हर जगह जीत पाएंगे और उत्पीड़ित सामाजिक समूह का क्या है प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे भी आप समझ गए होंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या बताया जा रहा है। ये निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण क्यों लाया गया, इसमें क्या होता है जैसे इसमें अपने यहाँ सिस्टम कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। तो मान लीजिए किसी कोई एरिया है, ओके कोई एरिया है दो जातियां रहती है, ओके दो जातियां रहती है, एक जाति की संख्या बहुत कम है, एक जाति की मान लीजिए क्या है 50 जाति, ओके 50 लोग रहते हैं, दूसरी जाति की मान लीजिए यहाँ 200 लोग रहते हैं। ओके, तो एरिया तो एक ही है, तो अब यहाँ से एक लीडर चुनकर जाना है, एक लीडर को नेता बनाया जाना है। ओके, चुनाव होगा तो आपको पता है अपने यहाँ जातिवाद चलती है, अपने क्या है थोड़ा धर्म को देखकर अपनी जाति को देखकर वोट दिए जाते हैं। तो दोनों एरिया से मान लीजिए लीडर खड़ा हुआ है 50% वाले से, एक जहाँ 50 जहाँ संख्या है और एक की संख्या कितनी 200 लोग, दोनों जगह से क्या है लीडर उम्मीदवार हुआ। ओके, तो क्या होगा कि जहाँ यहाँ 50 की 50 ही वोट दे देंगे, यहाँ 200 वोट दे देंगे, तो कौन जीतेगा जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि वो क्या जातिवाद तो चलता ही है। तो ऐसे में क्या होगा जिसकी दबंगाई होगी और जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, मतलब जिस समाज की ज्यादा होगी जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा होगी वो हमेशा जीत जाएगा, क्योंकि उसके क्या है उसके उम्मीदवार ज्यादा उसकी जाति के ज्यादा है। ओके, जबकि यहाँ इसकी जाति कम है तो ये क्या हमेशा इसका पक्का है फिक्स है हारना इसका, और जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसका फिक्स हो जाएगा जीतना। तो ये जो संविधान के निर्माता ने ये सब बात पता थी। ओके, तो उन्होंने क्या आरक्षण का सिस्टम ला दिया, मतलब क्या है इनके लिए फिक्स कर दिया कि भाई जो इस बार के जो चुनाव होने वाला है इसमें क्या है इसी पार्टी का खड़ा होगा, फिक्स होगा। ओके, इस पार्टी का चाहे आप कोई भी खड़ा कर दें लेकिन इसी जाति का होगा, अगले चुनाव में दूसरी जाति, कैसे फिक्स कर दिया जाता है जिसे क्या है सभी सामाजिक क्या समूह को क्या है मौका दिया जाए। ओके, तो हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई को जानते थे और ऐसा दलित उत्पीड़न सामाजिक समूह के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। स्वतंत्रता के पहले इस विषय पर बहस हुई कि ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की शुरुआत की है, इसका अर्थ यह है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के वोट डाल सकते हैं। पहले क्या सिस्टम था कि जो व्यक्ति के जाति के खड़ा है उसी जाति के क्या वोट डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा अपना ही नहीं किया गया। ओके,
इसके बाद क्या है, संविधान सभा ने अनेक सदस्यों ने इस पर क्या संख्या थी, जो मैं आपको सिस्टम बना रहा हूँ, इसे क्या है जाति का विभाजन हो जाएगा लोगों का। ओके, मतलब इसमें पहले सिस्टम कहा खोलने की कोशिश क्या की जा रही थी, जिस जाति का है उसी जाति के आप क्या है वोट डाल सकते हैं, उसी जाति के उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं, ऐसा सोचा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, क्योंकि इसमें संख्या थी, इसमें क्या है लोग बट जाएंगे जाति के नाम पर। ओके, इसलिए क्या है इसका उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे देश को पूरा नहीं करेगी, इसलिए क्या है आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अपनाई गई। ओके, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल क्या है उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसे क्या है सीट आरक्षित करे, जिसके लिए क्या है जिस जाति के लिए आरक्षित कर दी उसी का खड़ा होगा, लेकिन क्या वोट सभी डाल सकते, कोई भी जाति के वो वोट डाल सकता है। ये होता है आपका निर्वाचन आरक्षण वाला ओके सिस्टम। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट ही आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, टर्ट समझ लीजिए कि अपने भारत में क्या जो भी आपका है वर्तमान में क्या 18 वर्ष की आयु या कोई भी युवा या युवती के 18 वर्ष से उससे ज्यादा की आयु प्राप्त कर लेता है वो क्या है चुनाव डाल सकता है, चुनाव में क्या है वोट डालने का अधिकार हो जाता है। ओके, तो भारत में क्या है सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। ओके, अर्थात भारत के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म जाति समूह या रंग रूप वेशभूषा के हों, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो वह क्या है मतदान कर सकता है। 1989 में तक क्या था 21 वर्ष की आयु तक के नागरिक ही वोट डाल सकते का अधिकार था, मतलब क्या 1989 में क्या सिस्टम था सन में 21 वर्ष की आयु के बाद ही क्या है वोट डाल सकते हैं, लेकिन अब क्या है 1989 के में क्या है संविधान संशोधन की करके इसकी उम्र क्या है घटाकर 18 वर्ष कर दी है, मतलब जो भी क्या है 18 वर्ष का हो जाएगा वो क्या है वोट डाल सकता है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आई होप दोस्तों आपको मैं समझाने में सफल हुआ होगा, और आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, कोई भी अगर आपको समझने में कोई डाउट हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके पूरी तरीके से हेल्प कर सकूं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। वेबसाइट में आपका है किसी भी सब्जेक्ट के अपने क्लास 12th के ओके क्लास 11th के आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ऐप को डाउनलोड करके आपके कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।